नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। शिया बब्बो चेयरमैन की शहर में दस्तक, भू माफियाओं के उतरे चेहरे। शहर की बफ भूमि का निरीक्षण कर दिया बड़ी कार्रवाई का भरोसा। अवैध कब्जा करने वाला चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा, बोले चेयरमैन। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। शिया बफ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली जैदी ने शिया बफ की शहर में जायदाद का निरीक्षण किया। चेयरमैन के आने की दस्तक से ही न जाने कितनों के चेहरे उतर गए। चेयरमैन ने खुद बफ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जांच की। शिया बफ बोर्ड चेयरमैन सबसे पहले थाना मऊ दरवाजा के निकट हजरत अब्बास आलमदार की दरगाह पर आए और जियारत की, जिसके बाद वे सीधे चिलसरा रोड स्थित करबला पर पहुंचे और वहां भी हाजिरी देने के बाद वहां पर कुछ अवैध कब्जे वाली जगहों पर नजर डाली और उसकी जानकारी की बात कही, जिसके बाद बाईपास पर उन्होंने बफ संपत्ति पर नजर डाली और वे सीधे नूरपुर स्थित पूर्व विधायक और मिला राजपूत के कब्जे वाली बफ संपत्ति को देखने पहुंचे और काफी देर तक विचार विमर्श किया और ठंडी सड़क स्थित व्यवसायी गौर हरि अग्रवाल के कब्जे वाली बफ संपत्ति पर भी नजर डाली। बाद में वह शहर के मोहल्ला घेर शामू खां में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आफताब हुसैन के घर पहुंचे, जहां खाना खाने के बाद वहां चेयरमैन को शिया समुदाय के लोगों ने बताया कि जनपद में अधिकांश बफ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। गांव तो दूर, शहर की संपत्तियों तक को खुद मुतवल्ली पौने पौने में खुर्द बुर्द कर रहे हैं। लोगों ने चेयरमैन को अवगत कराया कि विगत वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी ने शहर की दो बेशकीमती संपत्तियों पर काबिज लोगों के खिलाफ FIR तक दर्ज कराई थी, परंतु आज तक बोर्ड और मुतवल्लियों की ढील की वजह से ये कब्जे नहीं हट सके, जिस पर चेयरमैन ने जल्द ही एक्शन लेने की बात कही। और चेयरमैन का काफिला सीधे लोहाई रोड पहुंचा, जहां पूर्व MLC मनोज अग्रवाल ने एक बफ संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उसका निरीक्षण किया और जल्द ही कार्रवाई अमल में लाने की बात कही। तदुपरांत शिया बफ बोर्ड चेयरमैन का काफिला फतेहगढ़ पहुंचा और फतेहगढ़ में इमामबाड़ा पहुंचकर वहां की बफ संपत्ति का भी मुआयना किया, जिसके बाद शिया समुदाय के कुछ जिम्मेदार लोगों को शिया बफ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है उसकी जांच करने का कहा और जल्द से जल्द शहर की बफ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटवाने का पक्का वायदा किया। इस पूरे कार्यक्रम में यूपी 76 न्यूज चेयरमैन के साथ कदम ताल करता रहा और कार्यक्रम समाप्ति के बाद यूपी 76 न्यूज को शिया बफ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली जैदी ने बातचीत हुई और तो उन्होंने क्या बताया, आइए देखते हैं कुछ अंश। एक बड़ी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया गया, इस पे कोई कार्रवाई होगी? कौन सी प्रॉपर्टी को किया गया? यह यहीं पर है पास में, बड़ी प्रॉपर्टी। बिल्कुल, उसकी शिकायत हमारे पास लाके दी है, कागजात दिए, सबूत दिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अच्छा, और अपने भी बोर्ड सक्षम में कानूनी जितनी भी ताकत है पूरी ताकत के साथ कार्रवाई होगी। और अपनी जो मेहंदी बाग कब्रिस्तान है इसमें भी कुछ लेन देन करके सड़क बनवाई गई, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? उसके भी आप पूरा पेपर सबूत लाके दिए, जो संबंधित लोग हैं उनके नाम पे शिकायत करी है। शमशाबाद का अलग से टूर लगा रहा हूँ, वहाँ का दौरा एक अलग से लगा रहा हूँ, वहाँ की भी हमारे पास जो शिकायतें आई हैं वहाँ भी जाके मौके पर निरीक्षण करके अपने इंस्पेक्टर के साथ वहाँ के भी मसाइल जो है कागजों पे लिए जाएंगे और एप्लीकेशंस ली जाएंगी और जो दस्तावेज हैं वो इकट्ठा किए जाएंगे और जो भी वहाँ पे इंक्रोचर्स हैं या जिन लोगों ने भी लीगल तरीके से जालसाजी से कागज बनवा के जायदादों को वहाँ की उसके ऊपर कब्जा किया, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू। उर्मिला राजपूत के घर के पास भी कब्जा हुआ, अभी जहाँ आप गए थे पल्ला के पास? जी जी, मैंने उस स्थल देखा है, मैं उसकी फाइल देखता हूँ, वापस जाऊंगा बोर्ड में, वहाँ की फाइल देखूंगा उस वक्त की, उसके अंदर जो भी तरीके से जो भी तरीका अपनाया जाए गया है खुदबुर्दी करने का, जो भी कागजों के साथ जो है हेरा फेरी की गई उसकी एक जांच बैठेगी और जो भी चीज़ें फैक्ट सामने निकल के आते हैं
उसके ऊपर फिर जो भी संबंधित लोग हैं दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, एक एक सवाल ये है कि जो भी अपने वक्फ बोर्ड की कमेटी बनती है तो खाली सैयद होना ही बेहतर है या उसका कुछ सिजरा वगैरह भी देखा जाता है? किस चीज़ में? जो कमेटी बनती है अपने वक्फ बोर्ड की। देखिए, जो वक्फ अलल औलाद है, डीड से वक्फ है, वो तो वाकिफ की मंशा के अनुसार चलते हैं। एक वसीयत जिसे आप कहते हैं कि उसके अनुसार चलते हैं। और जो वक्फ अलल खैर है, जो पब्लिक की सर्विस के लिए वक्फ किए गए हैं, वो जो चलते हैं वो कम्युनिटी में से लोगों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, अच्छे कैरेक्टर के, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उसमें लेना चाहिए। कमेटी में एक लॉयर रखना चाहिए, एक एडवोकेट मकामी जो उसके मामलात की पैरवी कर सके, एक जो उसकी पैरवी में पैसा खर्चा कर सके, इस तरह के लोग उसमें होने चाहिए। एक आध पढ़े लिखे नौजवान लड़के उसमें साथ होने चाहिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जानते हों, और उनको मिला के कमेटी बननी चाहिए। और इसी तरह से हम जो अभी कमेटी बनाई जा रही है वहाँ इसी जो है लाइन के ऊपर कमेटी बना रहे हैं, और यहाँ भी फरुखाबाद में भी हमारा इरादा यही है। इसलिए हम यहाँ लोगों से मिलने आए कि यहाँ के कई औकाफ में कमेटीज़ का समय कमत ख़त्म हो गया है, हम उसमें नई कमेटीज़ बनाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों। आज आपने पठानकोट में कितनी जगहों पर जाके देखा है? मैंने लगभग 6 से 8 औकाफ तो अभी तक देख लिए, बाकी 2 से 3 मैं और देखने जा रहा हूँ। और मुख्य रूप से जहाँ पे भी मैंने देखा है शहर में जो हमारी 66 बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं बड़ी बड़ी, उस पर बाकायदा बहुत सुनियोजित तरीके से कब्ज़े किए गए हैं, जिसमें कब्ज़ेदार जो है, जैसा कि मुझे मकामी लोगों ने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब थे इससे पहले, उन्होंने बहुत ही प्रायोरिटी पे लेके इन इशूज़ को, उन कब्ज़ेदारों को बाकायदा भूमाफिया भी घोषित किया, भूमाफिया अधिनियम में उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की। लेकिन आगे उसके अंदर जो है कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई, हम उन कार्रवाइयों को आगे बढ़वाएंगे। ये मतलब कब तक कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी आगे? अब आप समझ लिए कि जितनी जल्दी हम जाके फाइलें अपने सामने निकाल के उस पर रिपोर्ट करवा के और जांच के आदेश करेंगे। एक बार हमारी टीम फिर इंस्पेक्टर्स की स्थल निरीक्षण के लिए भी आएगी अलग से, जो कि बयानात लेंगे यहाँ लोगों के और स्पॉट इंक्वायरी करेंगे, बाकायदा मैप बना के हर चीज़ का, कौन से ज़माने में, किसके ज़माने में क्या हुआ, कब कार्रवाई की गई, कब कार्रवाई से पीछे हटा गया, सारी रिपोर्ट बन के आएगी। उस हिसाब से भी मुकदमे भी दर्ज होंगे, और अगर अनुबंध फर्जी तरीके से कराए गए हैं तो वो कैसे कराया जाएगा और कब्जा लिया जाएगा प्रॉपर्टीज़ का। जी जनाब, यूपी क्षेत्र न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की खिदमत में पहुंचे खास लोगों के नाम कुछ इस तरह हैं: सैयद आफ्ताब हुसैन, सैयद मुख्तार अली जैदी, सैयद मुनब्बर हुसैन, मौलाना फरत हुसैन जैदी, सैफ आवदी, नफीस एडवोकेट जावेद आवदी, बिलाल शफीकी, पप्पन मियां, अखलाक खां, हीरो टेलर, मुन्ना पाटू, आरिफ अली और अली जैदी आदि। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी छत्तर न्यूज़। हम फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और न्यूज़ को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।